हाँ, मुद्दे पे आते हैं। अच्छा जी, आप क्या किस पत्ते का और किसकी ये यूज करें? मैं अभी नीम इस्तेमाल करूंगी, और नीम से सबको पता है कि नीम आपका ब्लड प्योरीफायर करता है, तो इसमें और दूसरी चीजें मिलाकर एक मतलब खाली पेट पीने के लिए बताऊंगी, जिससे आपकी एक्नी, पिंपल, आपको कोई भी ब्लड में इंफेक्शन हो, अर्टिकेरिया हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। जैसे लाइक ये जो ये हरी चीजें होती है, ये बाकी आपके पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और वो फिर चेहरा शादाब। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आजकल जो है ना, मैं खुद अब हालांकि मेरी नींद इतनी पूरी नहीं हो रही, लेकिन आजकल मैं वो जो पुदीना और लेमन मिंट घर में हमारे बनता है, हल्का सा काली मिर्च डाल लेते हैं हम, उसमें शुगर नहीं डालते, वो कोई भी कैंडल या कोई ऐसी चीज डाल लेते हैं थोड़ी सी, तो वो हम रोज ताजा ताजा पीते हैं ना, उससे बड़ा पेट भी साफ रहता है और स्किन जो है ना वो इतनी अच्छी होती जा रही है, जबकि मैं इतना सोती नहीं हूँ, वरना मेरी स्किन जो है ना वो दाने वाने निकालती रहती थी। तो ये जो ये हरियाली वाली चीजें वाकई आपके पेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। आइए हम चलते हैं नीम के पत्तों जी, नीम की तरफ चलते हैं। नीम के पत्तों से हम बनाएंगे कोई ऐसी चीज जो आपकी एक्नी दूर करेगी, आपकी स्किन को अच्छा करेगी। जी सारे जी। अच्छा, नीम और जो कड़ी पत्ता है, ये इस कड़ी पत्ते को मीठा नीम कहते हैं, ये कड़वा नीम, दोनों एक ही फैमिली से। अच्छा अच्छा। और अच्छा। तो बस मैं इसमें से का ये गमला कितने का है वैसे? ये भी 50 50 रुपए का। वैसे नीम का दरख्त तो बहुत रस्ते वस्ते बहुत लगे हर जगह, कहीं से तोड़ लेते हैं। मैंने तो कभी भी नीम का अगर कुछ चाहिए होता था कभी किसी चीज के लिए, तो वो हमने दरख्त से ही तोड़ी है रस्ते से, नीम का दरख्त ढूंढ ढूंढ के हम रस्ते से, मतलब कभी खरीदा नहीं है, चोरी करके लिए। हाँ। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि हर जगह नीम लगाएं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। अच्छा, क्योंकि ये वाहिद पौधा है। हाँ। जो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। हाँ। तो ये हमारे अर्थ के लिए भी अच्छा है, हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, तो अगर नीम लगा दिया जाए हर जगह तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो कम हो सकता है। ओके। मतलब ये इतना अच्छा पौधा है, इसकी इफादियत तो बहुत है, बेतहाशा है। मतलब आपके आपको पता है नीम में विटामिन सी भी मौजूद है। अच्छा जी। एंटीऑक्सीडेंट भी, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, ये आपके थायराइड से लेके, दिमागी अमराज से लेके, स्किन प्यूरिफाई करने से लेके, कॉन्स्टिपेशन से लेके, हर चीज के लिए बहुत अच्छी। खसरा में जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह, कोई भी बच्चों की कोई बीमारी हो, कुछ हो, पुराने जमानों में अगर बहुत ज्यादा बुखार हो जाता था तो क्या करते थे, नीम के पत्ते और सफेदे के पत्ते पे बच्चों को सुला दिया जाता था। अच्छा, इतना मतलब के ये वो है। माशाल्लाह, मैं आपको बताती हूँ। जी जी। अच्छा, अब नीम के पत्ते से वो बच्चियां, वो लड़कियां, वो खवातीन, वो मर्द हजरात जिनको दानों की प्रॉब्लम होती है, जिनकी स्किन पे निशान, दाने, और एक जो शफाफ स्किन है वो नजर नहीं आती, क्योंकि आप कितना भी मेकअप कर ले अगर आपकी स्किन नहीं अच्छी, वो ग्लो नहीं करी होती और वो उसमें दाने वगैरह होते, क्लियर नहीं होती, तो आप फिर नहीं अच्छे लगते जी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो कर देती है ये। अच्छा, आप कभी भी कहीं से भी दरख से कहीं से भी तोड़े तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हम पालक को धोते हैं ऐसे आप अपने पत्तों को साफ किया करें। जैसे पानी आपने कौन सा इस्तेमाल किया, ये रूम टेम्परेचर वही? हाँ, पानी इस्तेमाल किए, सात बार धोना चाहिए ताकि सारी चीजें निकल जाए। अल्लाह ना करे, जैसे गुलाब के पौधों पे अगर कोई स्प्रे हुआ है तो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रिएक्शन हो सकता है। अच्छा। तो कभी भी अगर कहीं भी कोई आपके घर में भी अगर आप स्प्रे वगैरह करते तो आपने 15 दिन तक वो पौधे को इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है? जैसे मैंने इसको धो लिया, धोने के बाद सिर्फ आपने कितना नीम लेना है, दो वो लेने हैं। सही है, क्योंकि ये आप पीने के लिए कुछ बना जी, पीने के लिए बना रही हूँ और ये आपको तकरीबन 15 दिन चल जाए। अच्छा, सही है। ये मैंने नीम दो डंडल लिए, सिर्फ दो डंडल, इसको मैंने इसमें डाला। अगेन, आपने जो कहा है कि पुदीना, वाकई पुदीना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें हम पुदीने के पत्ते भी लेंगे, जैसे आधी गड्डी आपने लेने पुदीने की, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा, ये खवातीन के हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी आपको एक्नी बहुत होती है, बहुत ज्यादा होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आपने जो है पुदीना आधी डंठल आपने इसमें डालना है, और इसमें हमें एलोवेरा भी डालना था, एलोवेरा जेल, वो भी मैं उसका वैसे तो दूसरा काम है लेकिन इसमें भी एलोवेरा जाएगा, तो अगर एलोवेरा का एक पत्ता आप मुझे दे दें भाई साहब, एक पत्ता जरा काट के दे दें, ठीक है? अच्छा, मैं इसमें करेले डाल रही हूँ, करेलों के लिए अगेन मैं बताऊंगी कि आप जब भी घर में लाते हैं करेले, आपने हमेशा इस तरह कोई भी दवा बनानी उसको काट लेना है, अगर इसके बीच पीले हुए तो आपने नहीं डालना, तो वो जहरीले हैं क्या? नहीं है। अच्छा, तो आप बीच समेत डाल सकते हैं, और आपने सिर्फ इतना करेला बस वहाँ दे दें आप जी, सही है, शुक्रिया, ठीक है?
अब मैं इन सबको पहले मिक्स कर रही हूँ, फिर मैं इनको बताती हूँ। मोटा मोटा आप हाँ ब्लेंड कर दूंगी ना, ठीक है, तो ताकि ब्लेंडर में अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। हाँ ठीक है, आपने इसमें डाला है नीम के पत्ते धोकर अच्छे से, जी नीम के पत्ते डाला है, डाला आधी गड्डी, ठीक है, एलोवेरा जेल अभी आप डाल रही है, जी करेला डाला है, एलोवेरा जब भी आप काटें उसके बाद ये वाला जो तरीका मैं करी वो करें, ताकि ऊपर से इसका पिलाहट इसमें ना आए, इसका पीलापन भी आएगा तो आपको खुजली हो सकती है। ठीक है, ये देखें मैंने इस तरह कट किया और इसको ये ऐसे ही रख के कट करना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये वाला थॉर्न आपने निकालना है। अब इसका जेल जो है वो आपकी दवा है, वरना सब कहते हैं वैसे तो एलोवेरा बहुत अच्छा होता है लेकिन हमने इस्तेमाल किया तो हमारी स्किन खराब हो गई, खुजली हो गई, ये सब हो गया, तो फिर इसमें एलोवेरा का नहीं आपका कसूर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, उसमें पिलाहट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये एक पूरा एलोवेरा का जेल मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये डाल दिया, पुदीना मैंने डाल दिया, सब डाल दिया, अब मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। तकरीबन 2 ग्लास पानी डालूंगी। ठीक है, और करेला आपने आधा लिया था? जी आधा आधा, लेकिन मैंने जिस तरह काट के बताया है हाँ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए कि आपको ये बताऊं कि पीला वो ना हो। अच्छा ठीक ठीक है, और 2 ग्लास साथ लिया ना? जी छिलकों के साथ। ये होगा कड़वा, बहुत मुश्किल होगी लेकिन आपके दाने इतनी जल्दी दूर भगाएगा, स्किन इतनी प्यारी हो जाएगी ना, ये इसके इंग्रेडिएंट्स देख के अंदाजा हो गया। अब आपने क्या करना है हाँ। मैं तो यहाँ पे टाइम ज्यादा नहीं लें तो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा खुल क्यों नहीं रहा? सही वो नहीं हुआ नहीं। बस हाँ हाँ, अब इसको आपने अच्छी तरीके से मलमल के कपड़े से छानना है। जी छानना है, क्लियर हाँ। जूस निकला हाँ। ये 2 ग्लास पानी, इसमें मजीद 2 ग्लास आपने मिलाना, दूसरे नॉर्मल पानी, नॉर्मल पानी मिलाना है। उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच बड़े नींबू का रस डालना है। ओके, जब नींबू का रस आप डाल लोगे तो यही कहने वाली थी, नींबू का रस डालें टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच भर के डालना है। जब आप 2 बड़े चम्मच भर के नींबू का, जब नींबू कड़वाहट में जाता है तो उसकी कड़वाहट को बहुत कम कर देता है। फिर आपने क्या करना है, जैसे ये बनाया 2 ग्लास में, फिर इसमें 2 ग्लास और आपने पानी ऐड किया, फिर इसमें आपने नींबू डाला, फिर आप काली मिर्चें और नमक हस्बे जायका अपने जो ग्लास आप पी रहे हैं सुबह, कप जो आप पियेंगे उसमें आप डालिएगा। डालने के बाद इसमें से आप जो है 1 कप डालिएगा, उसमें 1 कप पानी डालिएगा, वो मजीद डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, थोड़ी कंफ्यूजन, ये बने 2 ग्लास, 2 ग्लास, 2 ग्लास में आपने 2 ग्लास और मजीद डाल दिए, नींबू भी डाल दिया 2 चम्मच। ठीक है, अब जब मैं पीना शुरू कर रही हूँ नाश्ते के साथ, तो मैंने 1 ग्लास निकाला, ये जो आपका बनाया 1 कप निकाला, 1 कप निकाला, उसमें मैंने नमक और काली मिर्च अपने हिसाब से बनाया और फिर मैंने उतना ही पानी और नॉर्मल पानी, जी नॉर्मल पानी में डाल दी तो और डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जितना बनाना सिखाया है अल्लाह के हुक्म से ये खत्म नहीं होगा, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स काफी हद तक हल हो चुकी है। नहीं मुझे बताएं कि ये बना खाली फ्रिज में रखना, जी बना के फ्रिज में रखना, खाली पेट पीना, हाँ खाली पेट पीना। अच्छा, क्योंकि इसमें करेला वगैरह है, क्या पेट खराब हो बिल्कुल सकता भी है? नहीं होगा, इतना डाइल्यूट हमने कर दिया है। ओके, डाइल्यूटेड देखिए कितना कर दिया, फोक हमने निकाल दिया, क्लियर जूस हमने ले लिया है, और इससे हार्मोनल इश्यूज की वजह से एक्ने टेस्ट क्या आएगा इसका? इसका टेस्ट मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा पी के बताती हूँ। अच्छा वो, नहीं नहीं मैं पी लेती हूँ, कोई वो नहीं है, मैं करेला और वगैरह सारी चीजें खा लेती हूँ, मैं 1 चम्मच पी के बताती हूँ, इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग पिए। ये तो अभी अभी डाइल्यूटेड नहीं है ना? कोई बात नहीं, मैं पी लेती हूँ, तो बहुत ही कड़वा, लेकिन ये कौन नहीं पिएगा सुबह खाली पेट, जो थायराइड की दवा ले रहे हैं या हाइपोग्लिसरीमिया, जिनका शुगर लो हो जाता है, ये 2 नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को सही कर रहा है या आपके ब्लड प्यूरिफाई कर रहा है। तो ये अगर आप थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले आपको थायराइड की मेडिसिन लेना है। आप लोग जब भी थायराइड की मेडिसिन लें 2 घंटे तक कैफीन और कोई और चीज ना लें, ताकि वो आपकी बॉडी में जज्ब हो जाए, उसको एब्जॉर्प्शन के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। तो इसको फिर आपने नाश्ते के 2 घंटे बाद लेना। अच्छा, ये मैं 1 चम्मच बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं इतना धो धा के साफ करके कर रही हूँ। बिल्कुल सही, यानी कि आप ये इतना डाइल्यूट भी होगा तो उसका आपको इतना देखिए ना, मेरा मुंह बना और मैं बहुत अच्छी एक्टर तो नहीं हूँ कुछ भी नहीं है, अगर आप पिए और आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करें, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे।